अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने ये ट्रेस पेपर पर डिज़ाइन बनाई हुई है और हमने कपड़े पे भी पेंटिंग की हुई है थोड़ी सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और डिज़ाइन क्लियर नहीं दिख रही थी इसलिए मैंने आपको ट्रेस पेपर की डिज़ाइन दिखा दी है कि मैंने यही डिज़ाइन इस पर ड्रॉ की है, नहीं तो बहुत सारे फ्रेंड्स से पूछते हैं डिज़ाइन कैसी है, ड्रॉ दिखाइए, तो इसलिए मैं आपको ड्रॉ दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये सूट पे मैंने डिज़ाइन बनाई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन क्लियर नहीं आ रही है, तो ये डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से हमने छोटे छोटे करके पेज बनाते हुए डिज़ाइन को ज्वाइन करके इस तरह से एक सीधी सी लाइन डिज़ाइन कर दी है, आप देख सकते हैं। और ये छोटे से पैच जो हैं आप इसको घुमाते हुए अपने नेक पे भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कहीं पे भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, जहाँ पे आपका दिल चाहे उसे बना सकते हैं, अपने कपड़े पे इस तरह से बूटे फैला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ज्वाइन करके पूरी एक सीधी सी लाइनिंग बनाई हुई है डिज़ाइन की, और ये हम अपने सूट के किनारे साइड पर लगाते हैं, बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं और इस तरह की पेंटिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी हर डिज़ाइन। तो आज की वीडियो में ये मैं आपको सूट पेंटिंग बताने वाली हूँ, जो कि डिज़ाइन मैंने आपको पहले ही दिखा दी है, अब मैं आपको कलर बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप कलर देखिए, मत सोचिएगा कि मैंने कलर कैसा लिया है, कौन सा लिया है, आप कलर को ही देख सकते हैं। पता नहीं क्यों कलर वीडियोस में जो कलर है वो दिख नहीं रहा है, तो इस बात से मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि कलर जो है वो क्लियर जो कलर है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको कलर का नाम बता देती हूँ, मैंने कौन कौन सा कलर लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लेमन येलो लिया हुआ है, सैप ग्रीन लिया हुआ है, तरकस ब्लू कलर लिया हुआ है, और वाइट कलर लिया हुआ है, और लाइट पिंक लिया हुआ है। तो आप लाइट पिंक की जगह रेड मरून या फिर मजेंटा कलर, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइट पिंक लिया हुआ है जो मैंने लगाया पहले, तो मैं वही दिखाऊँगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये इतने सारे कलर हैं और इन्हीं से मैं इसकी पेंटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको कपड़े पे दिख रहा होगा कि कलर हमारा थोड़ा सा कैसा खुरदुरा टाइप दिख रहा है, जैसे लग रहा होगा कि अच्छे से कलर नहीं बना है, लेकिन ये सिर्फ वीडियो में ऐसा दिख रहा है, सामने से ये काफ़ी अच्छी पेंटिंग दिख रही है, अच्छी लग रही है। ये सब ऐसा पहली बार हुआ है कि वीडियो में पेंटिंग अच्छी नहीं आई है और सामने से बहुत अच्छी दिख रही है। तो पता नहीं क्यों वीडियोस में पेंटिंग में जो मेरी डिज़ाइन वो अच्छी नहीं दिख रही है, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सामने से बहुत अच्छी दिख रही है। आप भी किसी कपड़े पर ट्राई करके देखोगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने पहले जो हमारा फ्लावर है उसमें हमने वाइट कलर का भरा हुआ है, और जो हमारी पंखुड़ी है उसमें हमने वाइट कलर भर दिया है, और इस तरह से उस पर पिंक कलर का मैं शेड दे रही हूँ। तो मैंने कलर को सूखने से पहले ही जो है पिंक कलर का शेड दे दिया है, तो कलर थोड़ा लाइट दिख रहा है। तो अगर आपको शेड डार्क करना है तो वाइट कलर सूखने के बाद इस पिंक कलर का शेड दे सकते हैं, तो आपका जो पिंक कलर रहेगा वो ज़्यादा दिखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो ब्रश है ये 2 नंबर का पिन ब्रश है, यहाँ पे मैंने फ्लैट ब्रश का नहीं यूज़ किया है क्योंकि डिज़ाइन काफ़ी बारीक है, वो फ्लैट ब्रश से नहीं बन सकती है, और इसलिए मैंने यहाँ पे पिन 2 नंबर का पिन ब्रश लिया हुआ है। तो पहले हम जो है अपनी जो पंखुड़ी है उसको हम वाइट कलर से भरेंगे, उसके बाद उसमें जो है पिंक कलर का शेड दे देंगे। आप पूरी पंखुड़ी एक साथ बनाने के बाद उसमें पिंक कलर का शेड दे सकते हैं, जिससे आपका शेड अच्छा दिखेगा और थोड़ा हाईलाइट होकर दिखेगा। अगर आप वेट शेड दे देंगे तो जो है आपका शेड डार्क नहीं दिखेगा, बहुत लाइट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कलर को जो है वाइट कलर को सूखने देना है थोड़ा सा, उसके बाद इसमें हमें हमारा लाइट पिंक कलर का शेड देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे तीनों जो है पंखुड़ियाँ बन चुकी हैं, तो हम इसे मैं इस तरह से ऊपर से हल्का हल्का सा पिंक कलर का शेड दे देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फ्रेम नहीं लगाया हुआ है, थोड़ी मुश्किल हो रही है मुझे बनाने में, तो आप जब भी बनाएं फ्रेम का यूज़ करें, फ्रेम लगा के बनाएं।
तो आपका जो आप प्रिंटिंग रहेगी वो अच्छी बनेगी, क्लियर बनेगी। इस तरह से कपड़े वगैरह जो हैं थोड़े से मुड़े हुए हैं तो जो हमारे शेड हैं देने में नहीं बनते हैं, तो फ्रेम लगाने की वजह से लगे रहते हैं, तो हमारे शेड काफ़ी अच्छे बनते हैं और वो जो हमारा ब्रश है वो अच्छे से हम खींच पाते हैं और हमारे शेड सीधे और अच्छे से बनते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको फ्लावर बता दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सैप ग्रीन का यूज़ किया हुआ है। आप लाइट ग्रीन का भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स करते हुए, तो आपके कपड़े पे ज़्यादा उठ के दिखेगा। ये भी कलर उठ के दिख रहा है, लेकिन वीडियो में मैंने जैसा कि पहले बताया कि कलर ना जाने क्यों दूसरा वीडियो में कलर है कुछ और, दिख कुछ और रहा है तो सामने से, लेकिन कपड़े पे ये सही दिख रहा है। वीडियोज़ में ही सिर्फ ऐसा दिख रहा है कि कलर जो है जैसे दिख ही नहीं रहा हो ऐसा लग रहा है, लेकिन सामने से आपके जो कपड़े पे जब कलर लगेगा तो ऐसे ही दिखेगा। और यहाँ पे हमने सैप ग्रीन में लेमन येलो का मिक्स किया हुआ है। यहाँ पे पहले मैंने सैप ग्रीन लगाया, उसके बाद इस तरह से उसमें लेमन येलो मिक्स कर दिया। तो आप इस तरह से दो कलर मिक्स करेंगे, लाइट कलर सैप ग्रीन और येलो कलर मिक्स करके लगाएंगे, तो जो आपका कलर है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा और कपड़े पे थोड़ा उठ के दिखेगा, इसलिए हमने दो कलर का मिक्स किया हुआ है। और अगर आप लाइट ग्रीन लगाते हैं तो उसमें वाइट कलर का मिक्स करके लगाएं, ताकि कलर आपका और हाई लाइट होकर दिखे, क्योंकि कपड़ा रेड है तो उस पर कलर उठ के दिखना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारा कलर जब नया होता है तो वो थोड़ा पतला होता है, और हम जब उसे कपड़े पर लगाते हैं तो वो कपड़े में कपड़ा सोख लेता है उसको अंदर, अपने कपड़ा जो है जैसे पानी खींचता है कपड़ा, उसी तरह से कलर भी खींच लेता है, तो हमारा कलर थोड़ा हल्का दिखता है। तो इसलिए हम उसमें वाइट कलर का अगर मिक्स कर देते हैं तो जो हमारा कलर रहेगा वो नहीं, वो दिखेगा। तो आप इस वीडियो में ये मत देखिएगा कि कलर नहीं दिख रहा है, कलर आप किसी भी कपड़े पे बना, आपके पास अगर कोई पुराना कपड़ा है तो उस पर पेंटिंग थोड़ी सी बनाकर देख सकते हैं, इस तरह से बनाने के बाद दिख रहा है। वीडियोज़ में सिर्फ नहीं दिख रहा है और सामने से जो है पेंटिंग हमारी दिख रही है। तो आप देख सकते हैं, मैं पहले येलो कलर का जो है आउटलाइनिंग की हूँ इसमें, और फिर उसके बाद उसमें सैप ग्रीन भरी हूँ। इस तरह से हमें येलो कलर की आउटलाइनिंग करनी है, और जो हमारी बीच में खाली जगह है उसमें हमें सैप ग्रीन मिक्स करते हुए भरना है। अभी हमने येलो कलर का आउटलाइनिंग की, यहाँ पे हम सैप ग्रीन भरेंगे इसी तरह से। अगर आप लाइट ग्रीन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वाइट कलर का हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, जिससे हमारा कलर थोड़ा है उठ के दिखेगा, क्योंकि पेंटिंग तो हमारी थोड़ी उठ के दिखनी चाहिए, तभी पता चलेगी कपड़े पे। और इसी तरह से ये सिंपल सी पेंटिंग है जो आप भी बना पाएंगे, काफ़ी आसान है और इजी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, और ये सामने से देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आपको नहीं समझ आती है ये पेंटिंग की, आपको क्लियर नहीं समझ में आती, तो आप किसी कपड़े पर ट्राई करके देख सकते हैं, उसको बना सकते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस तरह से वाइट कलर हमें लगाते हुए अपना जो है बीच में सैप ग्रीन भरना है, उसी तरह से हम कलर को लगाएंगे। इससे हमें वाइट येलो कलर का, इसलिए सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे येलो कलर का लगाना है, मैंने वाइट कलर का बोल दिया। अगर आपका लाइट ग्रीन है तो आप उसमें वाइट कलर मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से वाइट लेमन येलो जो है लाइट हमारा कलर है, तो इसमें अगर हम लाइट पहले कलर लगाते हैं फिर डार्क कलर लगाते हैं तो हमारा कलर मिक्स होकर उठ के दिखता है, इसलिए हम दो कलर का यूज़ कर रहे हैं। सैप ग्रीन डायरेक्ट लगाते हैं तो वो कलर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको दो कलर मिक्स करके बना के दिखाया है, थोड़ा सा वीडियो में दिखने लगे, नहीं तो क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का। जब दिख ही नहीं रहा तो फ्रेंड और लोग सोचेंगे कि दिख ही नहीं रहा है, कैसी पेंटिंग है, लेकिन सिर्फ वीडियो में नहीं दिख रहा है, सामने से दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप किसी कपड़े पे ट्राई करके देख सकते हो। तो इसी तरह से हमें बाकी की भी जो हमारे ग्रीन कलर का, इसमें हमने लीफ वगैरह बनाई है, इसी तरह से हमें बनानी है, येलो कलर सैप ग्रीन कलर मिक्स करते हुए, और कहीं कहीं हमने वाइट कलर का भी मिक्स कर किया हुआ है। इस तरह से आप बना सकते हैं।
बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सूट की डिज़ाइन मांगते रहते हैं, तो मैंने ये छोटी छोटी डिज़ाइन बताई है, क्योंकि इस वक्त मैं फ्री नहीं हूँ इसलिए मैं सूट की डिज़ाइन बता रही हूँ। तो ये छोटी छोटी सी डिज़ाइन है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं सिंपल सी जो हमारी इजी है, बहुत छोटे छोटे से इसमें वर्क हैं और इस तरह से आप भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कलर को, हमारे जो कलर है उसमें कलर को हमें भरना है और इस तरह से प्यारी सी पेंटिंग हमारी तैयार हो जाएगी। प्यारा सा जो फ्लावर है वो तैयार हो जाएगा। एक बेल से बेल बनाई है हमने सूट के लिए और ये बाकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, सामने से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है बनाने के बाद। तो यहाँ पे हमने जितनी बड़ी डिज़ाइन बनाई है लगभग हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है और इस तरह से आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप किस लाइट कलर जो आपका है इस तरह से आप लगा देते हैं तो और भी अच्छा दिखने लगता है। इस तरह से थोड़े थोड़े से लाइनिंग बना दें इस तरह से तो और भी अच्छी दिखने लगती है हमारी पेंटिंग। वाइट कलर भी बना सकते हैं आप इस, यहाँ पे लेमन येलो भी लगा सकते हैं, जो कलर आपका लाइट दिखता हो उसको आप लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने तरकस ब्लू का अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ। आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ मैंने लगाना है, हमको कहाँ लगाना है, तो जब हमारी ग्रीन सारी लीफ सूख जाएँ तो उसमें हमें तरकस ब्लू का बीच बीच में शेड देना है, इसलिए हमने तरकस ब्लू लिया हुआ है। फ्लावर तो मैंने आपको पहले ही बनाना बताया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने थोड़ा सा छोटा सा फ्लावर बताया था, ये हमारा पूरा सर्कल में हमने गोल फ्लावर बनाया हुआ गोल गोल सा, तो इसको घुमाते हुए हम इसी तरह से भर लेंगे, उसके बाद उसमें बीच में शेड देंगे। और ये पेंटिंग कोई भी बना सकता है, बहुत ही सिंपल सी और इजी सी पेंटिंग है, काफ़ी अच्छी है, अपने सूट वगैरह पे जो बनाना चाहे बना सकते हैं। इसमें कुछ शेड वगैरह ज़्यादा नहीं देना है, बस हमें कलर भरना है और बाद में थोड़ा थोड़ा सा कलर ऊपर से या फिर आप नीचे से शेड देना चाहें ऊपर से शेड देना चाहें तो आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हम आराम से अपनी पेंटिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, जो हमारा फ्लावर का सेप रहेगा उसमें हमें वाइट कलर भर लेना है और हम उसको जिस कलर से शेड देना चाहें उसमें शेड दे सकते हैं, अपने हिसाब से आपको जो कलर पसंद आता है इसमें आप शेड दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत फ्लावर है ये, काफ़ी छोटा सा भी है और बनाने के बाद बहुत ही इजी तरीके से हम इसको भर पा रहे हैं और इसमें इसकी पेंटिंग भी हम आराम से कर पाएंगे। आप एक से दो दिन में अपने सूट पे ये डिज़ाइन बना के पेंटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप इसे दुपट्टे पे भी बना सकते हैं, इजी सी पेंटिंग है ये। और आपकी इस तरह की जो पेंटिंग है वो कॉटन पे आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि कॉटन में जो हमारा कलर होता है वो अच्छे से मिक्स होता है और रेसे रेसे में उतरता है, तो उससे हमारी पेंटिंग जल्दी ख़राब नहीं होती है। और हम सिल्क कपड़े पे अगर करते हैं तो कुछ ही टाइम के लिए हमारी पेंटिंग होती है, उसके बाद उखड़ने लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लावर हमारा पूरा हो चुका है, अब हम इसे इसमें शेड देंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा अगर हमारा कलर कपड़ा पे ऐसा लग रहा होगा कि कपड़ा हमारा दिख रहा है पेंटिंग करने के बाद, तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा सा कलर भर सकते हैं ऊपर से ताकि जो है आपका कलर ना दिखे। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमें शेड देना है सूखने के बाद, आप पूरा फ्लावर बना लें इस तरह से फिर ऊपर से शेड दे दें। तो अगर आपका फ्रेम लगा होगा तो आपका ये जो शेड है काफ़ी अच्छा बनेगा, मैंने फ्रेम नहीं लगाया है इसलिए शेड थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो आप फ्रेम लगा के शेड दें अगर बनाते हैं तो।
तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता देती हूँ, दो नंबर का पिन ब्रश है और आप देख सकते हैं कलर हमारा थोड़ा सा फीका कैसा दूसरा दिख रहा है। तो ये लेमन येलो, सैप ग्रीन, टर्कस ब्लू, पिंक, मैंने यहाँ पे पांच कलर लिया हुआ है। वाइट कलर को मिक्स कर लेके हमने पांच कलर लिया हुआ है। तो बीच में हम लेमन येलो भरेंगे और उसके बाद इस तरह से टर्कस ब्लू कलर मैंने लिया, इस तरह से डॉट 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 करके किनारे किनारे पे इस तरह से डॉट 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 कर देंगे और हमारा थोड़ा सा जो फ्लावर में है किनारे की जगह रहेगी, हम थोड़ा सा डार्क बना देंगे। इस तरह से बनाना है। तो हमारा फ्लावर जो है तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है और इसी तरह से हम अपनी सारी पेंटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल सी पेंटिंग है, शायद आपको पसंद आई हो। और इसमें अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सूट डिज़ाइन के लिए हमें ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं बनाई हुई है, बहुत सिंपल सी बेल बनाई हुई है। और ये बेल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी अगर आप अपने दामन पे चौक पे बनाएंगे इसे, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। तो यहाँ पे मेरी पेंटिंग कंप्लीट होने वाली है। तो फ्रेंड्स आपको पेंटिंग कैसी लगी और डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस तरह की और भी पेंटिंग देखना चाहते हैं, सूट डिज़ाइन देखना चाहते हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो सारी डिज़ाइन देख पाएंगे और कोई भी वीडियो आपसे मिक्स नहीं होगी। तो बेल को ज़रूर प्रेस करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियोस को देख सकें, हमारे हर डिज़ाइन को देख सकें। तो आती रहूँगी मैं आपके लिए इसी तरह से खूबसूरत खूबसूरत सी डिज़ाइन लेके। तो ये आप आज की डिज़ाइन आपने देखी ली है कि हमने कितनी सिंपल सी पेंटिंग बताई जो कि कोई भी कर ले। तो इसी तरह से मैं एक और आसान सी पेंटिंग आपके लिए लेके आऊँगी जो कि आप आसानी से आराम से अच्छे से बना पाओ और आपको भी पसंद आए, आपको बहुत पसंद आए, ताकि आप हमारी हर वीडियोस देखो और मेरी हर डिज़ाइन का इंतज़ार करो। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि ये डिज़ाइन आपको पसंद आए और डिज़ाइन भी आप ये डिज़ाइन आपको पसंद आए, पेंटिंग पसंद आए, ताकि जो फ्रेंड्स हैं जो हरदम डिज़ाइन मांगते रहते हैं सूट की, उन्हें डिज़ाइन पसंद आए और ये डिज़ाइन बना सके। बहुत सिंपल सी डिज़ाइन है ये, कोई भी बना सकता है। तो मैं फिर आऊँगी इसी तरह से एक आसान सी पेंटिंग लेके जो कि आपके बनाने में आसानी हो और आप उसे आसानी से पेंटिंग कर पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आऊँगी मैं एक और अच्छी सी डिज़ाइन की पेंटिंग लेके। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।